A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. I hope you all are fine. Children, in SST, we are doing chapter 18, Local Self-Government. In our last video, we have done its word meanings. And children, in this chapter, we will be knowing about the local self-government in villages, towns and cities. Okay? And today, I'll explain you local self-government in villages. And in our next video, we will be knowing about the local self-government in towns and cities. Okay, children, but first of all, we should know that what is local self-government? What does it mean? Kya hota hai local self-government? To ye main aapko bataungi, but ek example main aapko deti hoon. Jaise ki humara school hota hai, usme sections hote hain, departments hote hain, like pre-primary, primary, सीनियर सेकेंडरी, ओके, और उनके अलग अलग इंचार्जेस होते हैं. उन इंचार्जेस की क्या ड्यूटी होती है? ये ड्यूटी होती है कि वो अपने जो अपना जो डिपार्टमेंट है, लाइक प्री प्राइमरी का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए स्कूल में, किस तरह के उनके लिए रूल्स होने चाहिए, ठीक है, उनका कंप्लीट वेलफेयर का ध्यान रखना, उनकी हैप्पीनेस का ध्यान रखना, ठीक है, उनके लिए जो बुक्स किस तरह की होनी चाहिए. जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके जो इंचार्ज होगा, उसकी भी ये ड्यूटी रहेगी कि उन स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उनके लिए क्या रूल्स बनाए जाएं, ठीक है. तो हर डिपार्टमेंट का प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी के जो डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज होंगे, उनकी अपनी ड्यूटी होगी अपने सेक्शन को, अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपरली चलाने की. ओके, अगर सिर्फ एक इंचार्ज को बनाया जाएगा पूरे स्कूल को देखने के लिए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी, तो प्रॉपर रूल्स नहीं बनाए जा सकते. हर सेक्शन के अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के अलग रूल्स होंगे. और इसी तरह से सब्जेक्ट टीचर्स अलग होते हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाया जाए वो उसी की ड्यूटी रहेगी. तो इस तरह से हर चीज़ को चलाने के लिए अपना एक इंचार्ज होता है, चाहे वो सब्जेक्ट इंचार्ज हो, चाहे वो रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड हो. ओके, तो इसी तरह से हमारी जो कंट्री है, हमारी पूरी कंट्री को चलाने के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, उनके लिए अलग अलग लीडर्स चुने जाते हैं, ठीक है. और आपको पता है हमारी कंट्री में विलेजेस भी हैं, टाउन्स भी हैं, सिटीज भी हैं. तो सबके लिए अलग रूल्स बनाए जाते हैं. और हर सभी चीज़ों को एक पर्सन तो नहीं चला सकता, हर जगह तो जाकर नहीं देख सकता कि किस तरह से वहाँ के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है या नहीं. तो इसीलिए वहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट बनाई जाती हैं, ठीक है, लीडर्स चुने जाते हैं. ओके, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, सब जगह पे. देखो, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंस, डिफेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रॉपर चलाना पड़ता है. लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स रेगुलेशंस हैं. तो इन सभी चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए हमारे गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी क्या है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, ओके, इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने स्टेट में रूल्स रेगुलेशंस या फिर ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ सर्विसेज हैं, इन सबको मेंटेन रखने का काम करती है स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का. ओके, एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी नोइंग अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ अ विलेज, टाउन और सिटी. ओके, इट डील्स विद द लोकल प्रॉब्लम्स एंड लुक आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ द लोकल पीपल. ठीक है, जो लोकल, लाइक विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में, यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है. और इस चैप्टर में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विलेजेस में और टाउन्स एंड सिटीज में किस तरह से होती है, कैसे फॉर्म होती है और कैसे वो कंट्री, मतलब अपनी लोकल एरिया को किस तरह से चलाती है, वो हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर 18, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी.
A democracy is a form of government that is of the people, by the people and for the people. Democracy government का एक form है जिसमें कि कैसी government है, लोग अपने leaders को खुद चुनते हैं. ये government लोगों के हित में है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है. ठीक है, लोग अपने leaders को खुद choose करते हैं. This means that in this system, people choose their own leaders who form the government and run the country, जो कि अपनी government खुद बनाते हैं और country को चलाते हैं. ठीक है, so India is a democracy, India is a democratic country, okay? India is a big country with a huge population, बहुत ज़्यादा population है हमारी country में, एक बड़ी country है, vast country है. There are many villages, towns and cities in the country. To make the task of governing the country easier, there are three levels of government. हमारी country को easily चलाने के लिए three levels हैं country के, which I have already told you. The central government, the state government and the local self-government. The central government of India is based in New Delhi, the capital of India. हमारी जो central government है वो New Delhi में है. ठीक है, और New Delhi क्या है? The capital of India. It deals with matter of national importance such as defense, finance, railways, etc. ये किन matters को deal करती है जो हमारे national important matters हैं, जैसे कि defense है, finance है, railways है. ठीक है, country को किस तरह से defend करना है, किस तरह से secure करना है, रक्षा करनी है country की, finance related जो matters होते हैं, railways related, ये सब को कौन deal करता है? Central government. Okay? Each state in India has its own government as well. और जितने भी हमारी country में states हैं, उनकी अपनी government होती है. Every state government is responsible for maintaining law and order, transport, health services, etc. in the state. और ये state government की responsibility है, वहाँ अपने state में law and order maintain रखना, transport, health services, इन सब को proper maintain रखना. Okay, अपने state में. Local self-government refers to the government at the local level in villages, towns and cities. और जो हमारी local self-government है, वो कहाँ, कैसी government है, वो कहाँ पर होती है? वो local level पर होती है, villages में, towns में and cities में. Okay? Local self-government. India is a vast country. It is not possible for the central government to look after the needs of all the villages, towns and cities in the country. हमारी जो इंडिया है वो वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी है, बहुत सारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के लिए इतनी एबल नहीं है कि वो पूरी कंट्री को, सभी विलेजेस को, सभी टाउन्स, सिटीज, सबको गवर्न कर सके, सबको चला सके. जिनको जिस भी चीज़ की नीड है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो ले सके. सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले तो ये सब नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है. टू मीट दीज नीड्स अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड. और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाया गया. ओके, अ लोकल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ अ विलेज, टाउन और सिटी. जो लोकल गवर्नमेंट है वो किनके द्वारा बनाई गई? विलेज, टाउन, सिटी, इन सबके, मतलब इन जगहों के लोगों के द्वारा. इट डील्स विद द लोकल प्रॉब्लम्स एंड लुक्स आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ द लोकल पीपल. और ये गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, ठीक है, उनका ख्याल रखना और जो लोकल, जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं लोकल में रहने, मतलब लोकल पीपल जो होते हैं उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करना, उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, इन सबसे डील करना, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इट इज़ कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिकॉज पीपल देमसेल्व्स पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट बाय इलेक्टिंग देयर ओन लीडर्स टू फॉर्म द लोकल सेल्फ, लोकल गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया. इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोग अपने लीडर को इलेक्ट करने के लिए खुद पार्टिसिपेट करते हैं, मींस खुद चुनते हैं अपने लीडर्स को, खुद बनाते हैं अपनी जो सेल्फ गवर्नमेंट है इसको, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है उसको सेल्फ मेड करते हैं, यानी खुद बनाते हैं, वो खुद इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो विलेजेस में किस तरह से फॉर्म की जाती है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किस तरह से चलाई जाती है, लेट्स रीड
villages. In ancient times, our country had a very good system of local government in villages. जो प्राचीन समय में गवर्नमेंट होती थी, जो सिस्टम होता था लोकल गवर्नमेंट का विलेजेस में, वो बहुत अच्छा था. एवरी विलेज हैड अ हेड मैन हु वॉज इधर अपॉइंटेड बाय द किंग और वॉज चूजन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज. पहले क्या होता था कि एक हेडमैन होता था विलेज में, ठीक है, वो या तो राजा के द्वारा चुना जाता था, अपॉइंट किया जाता था, या फिर वहाँ उस विलेज में रहने वाले लोगों के द्वारा, ठीक है, एक हेडमैन चुना जाता था. ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज एंड लुकड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. वो क्या करता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो विलेज का ध्यान रखे, गांव का ध्यान रखे और वहाँ के रहने वाले लोगों के पूरे वेलफेयर का ध्यान रखे, उनकी हैप्पीनेस का, उनके हेल्थ का, उनके फॉर्च्यून्स का, सब चीज़ों का ध्यान रखे. समटाइम्स ही वॉज हेल्प्ड बाय सम ऑफ द विलेजर्स इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज. कई बार जो विलेजर्स होते थे वो भी हेल्प कर देते थे उस हेडमैन को अपनी ड्यूटी करने में, ठीक है. द सिस्टम वर्क्ड वेल, ये अच्छा था सिस्टम. आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो दिस सिस्टम विद अ फ्यू चेंजेस. और जब इंडिपेंडेंट हो गया हमारा इंडिया, हमारी कंट्री, तो लोगों ने डिसाइड किया कि इस सिस्टम में कुछ मतलब चेंजेस के साथ इस सिस्टम को चलाया जाए. ईच विलेज इन इंडिया हैज अ विलेज और अ ग्राम पंचायत विच लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल. उसकी बात क्या, पीपल लिविंग इन द विलेजेस, मतलब हर इंडिया के जितने भी विलेजेस हैं वहां पर मतलब एक ग्राम पंचायत बनाई जाए, विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत बनाई जाए, जो कि लोगों का, जो वहां पर लोग रहते हैं उनका ख्याल रखे. मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ऑल द विलेजर्स अबव द एज ऑफ 18 इयर्स. और जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, बाय द ऑल विलेजर्स अबव द एज ऑफ 18 इयर्स. 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के जितने भी ग्रामीण लोग यानी गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं. द वर्ड पंचायत मीन्स अ काउंसिल ऑफ फाइव. पंचायत का क्या मीनिंग है, काउंसिल ऑफ फाइव, पांच लोगों का एक काउंसिल ग्रुप, ओके, जो काउंसिल करे. द पंचायत इलेक्ट्स अ सरपंच और अ हेड एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज. पंचायत क्या करती है, पंचायत इलेक्ट करती है अपने एक सरपंच या फिर हेडमैन जिसे कहा जाएगा, या सरपंच कह सकते हैं आप उसको, सरपंच को चुनते हैं पंचायत में. और एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज, और सरपंच क्या करता है, विलेज के वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है, वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए, उनकी हैप्पीनेस, उनके हेल्थ और उनके फॉर्च्यून्स रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम, ठीक है, ये सब सरपंच की ड्यूटी. द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर फाइव ईयर्स. पंचायत कितने साल के लिए, कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है, फाइव ईयर्स के लिए. वन थर्ड ऑफ द सीट्स इन द पंचायत आर रिजर्व्ड फॉर विमेन. पंचायत की वन थर्ड सीट्स किसके लिए रिजर्व है, विमेन के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए. मैनी विलेजेस हैव अ विमेन एज द सरपंच. बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जिन्होंने अपने सरपंच किसको चुना हुआ है, महिला को चुना हुआ है. विलेज पंचायत्स डू मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द विलेजेस. द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज एंड टू ट्राई एंड सॉल्व दैम. क्या करते हैं, जो पंचायत के लोग होते हैं वो टाइम टू टाइम बैठते हैं साथ में, ठीक है, पंचायत में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो भी गांव की उनको डिस्कस किया जाता है, उनको सॉल्व करने के सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं, ठीक है. तो टाइम टू टाइम पंचायत लगाई जाती है ताकि किसी की कोई प्रॉब्लम हो या फिर गांव से मतलब विलेजेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको, उनके बारे में डिस्कशन किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. द पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज. पंचायत में पंचायत किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गाँव की सफाई सुथराई के लिए, ठीक है, स्वच्छता के लिए. इट टेक्स अप इम्पोर्टेंट वर्क्स लाइक डिगिंग वेल्स, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, मेकिंग रोड्स एंड रनिंग स्कूल्स,
मेडिकल सेंटर्स एंड हेल्थ सेंटर्स, किन सब चीज़ों का देखो कितने सारे ये इम्पोर्टेंट वर्क्स है जिसका ख्याल पंचायत रखती है, जैसे कि डिगिंग वेल्स, कुओं को खोदना, पानी का प्रॉपर मतलब प्रोवाइड कराना विलेजर्स को, ठीक है, रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, मेडिकल सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स, ये सब चीज़ें प्रॉपर होना, मेंटेन रहना, इन सब चीज़ों का कौन ख्याल रखता है? पंचायत, ठीक है। द विलेज पंचायत ऑल्सो सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन पीपल एंड फैमिलीज इन द विलेज। और पंचायत, जो विलेज पंचायत होती है वो क्या करती है, वो डिस्प्यूट्स भी सेटल करती है। जैसे किसी फैमिली में कोई डिस्प्यूट है या फिर ग्रुप्स में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विलेजर्स में आपस में किसी तरह का कोई झगड़ा, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल कौन रखता है, इन सब चीज़ों को कौन सॉल्व करता है? पंचायत, ओके, ग्राम पंचायत। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ओके। आज हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा, कहाँ पर? विलेजेस में, ओके। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी नोइंग अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज, ओके। एंड व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मीनिंग है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज अ सरपंच एंड हाउ इज ही और शी चोजन? सरपंच कौन होता है और किस तरह से चुना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल डू वुमेन प्ले इन द पंचायत? ओके, दीज आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इन योर SST नोटबुक, ओके चिल्ड्रन। बट बिफोर डूइंग दीज 3 क्वेश्चंस यू हैव टू watch the video carefully and you have to read page number 112 and 113 from your book, okay। आपको इन 3 questions के answer आपकी book से ही मिल जाएंगे, जो हमने आज पढ़ा है आपको proper answer मिलेंगे अपनी book से ही। तो please video देखने के बाद chapter को एक बार book से read करें, then you have to do these 3 question answers in your SST notebook neatly and carefully, okay। Thank you, children. Stay home, stay safe, and stay happy.